ये बाकी इन दोनों में वोल्टेज क्या होते हैं प्लस, इनेबल में माइनस, कभी भी नहीं। तो इनमें से किसी भी इनेबल से उठा के हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे यहाँ से किसी भी इनेबल से जम्पर उठा के हम पिन नंबर 5 पे किसी भी स्लीप मोड में जाएगा, कोई बैटरी ड्रेन का इतना ज्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं होगा। तो हमने बाहर से कोई सर्किट बना के किसी को धोखा नहीं देना है, अपना ही सर्किट रिपेयर करना है। अच्छे मॉडल कौन सा है सरिंग भाई? BD4 है, टेक्नोपॉप लाइट BD4 है। हाँ BD4 टेक्नो का मॉडल है। मसला ये लाइट नहीं आ रहे, ग्राफिक्स आ रहे हैं, सही है। ये सलीम का फोन है और की में थोड़ा सा मसला है। फोन बाकी ऑन है लेकिन क्या है, डिस्प्ले पे ग्राफिक्स आ रहे हैं, लाइट नहीं आ रहे। चलो थोड़े कम लसर आ रहे, बाकी क्या हो गया, ऑन हो गया, फोन ऑन हो गया और ग्राफिक्स आ रहे। तो सलीम भाई आपका फोन है जी, अपने साथ ले गया सर? मैं अपने साथ ले गया, वहाँ से तो सर में पेयर नहीं हुआ था। सलीम को जरा करीब से देखा था, पहले भी पेयर करवाया था वहाँ से, तो उसके बाद दोबारा फिर मसला आ गया। जो उसने जैसे काम किया था वो एक दुख के ही में काम हुआ था, एक क्योंकि प्रोटेक्शन वगैरह इसमें सारे कैप वगैरह हटा दिए थे, सिर्फ जंपर से काम किया। वो तकरीबन दस दिन चला है काम, उसके बाद फिर सेम कंडीशन हो गई। फिर मैंने इसमें अपनी कोशिश की है पर मुझसे नहीं हुआ, फिर मैं साथ लिया। अभी रिपेयर कर देंगे, बैटरी डिस्कनेक्ट करो, बैटरी डिस्कनेक्ट करो। अभी देखो सलीम इस फोन को तीन तरीकों से बनाने वाला है, तीन तरीकों से, सही है। एक तरीका ये है, इसका मसला ये है, हीट रेस्ट है, ये हो गए हमारी लाइट आई सी। पहले पिन क्या है? दूसरा काम क्या है? प्लस स्पीड वे, प्लस स्पीड वे, सही है। दूसरा कॉमन एनसी जीपीआईओ प्लस एनसी प्लस GPIO, सारे काम बताए ना? Yes sir। कॉमन इसको क्यों बोला जाता है, NC क्यों रखा जाता है, और GPIO। तीसरा GND, एक नंबर को हम ग्राउंड कर सकते हैं? नहीं सर। अगर कर लिया तो क्या मसला होगा? ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं होगा, ब्राइटनेस कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और चार नंबर इसका मसला इसी लाइन में है, ये जो लाइन है इसी लाइन में इसका मसला है। इस लाइन में क्या मसला है, इसका इनेबल CPU से नहीं आ रहा या CIBC लाइन डिस्प्ले से नहीं आ रहा, सही है। इसी लाइन में मसला है, ये जो हमारा लाइन है इसी में मसला है। अभी इसमें पहला काम ये करेगा सलीम भाई, एक डिवाइडर इसने बनाया है, इस लाइन से बनाया है BSP लाइन से, 6 वोल्टेज का लाइन है, इससे एक डिवाइडर बनाया है। एक रजिस्टर कितना लगाया है? 300। दूसरा 10 के आउटपुट कितना? 1.2 के आसपास का, सही है। तो ये एक काम तो ये करेगा कि ये लाइन यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा लेगा और इसके ग्राफिक्स चल जाएंगे, सही है। एक नंबर स्टेप ये अप्लाई करेगा, दूसरा स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा स्टेप इस तरह करेगा ना, पहले ये अप्लाई करके दिखाओ जो आपने डिवाइडर बनाए। तीन स्टेप में ये उन करेगा, इस डिवाइडर का मतलब ये जब बनाएगा ना तो इससे मसला ये होगा कि हमारे ब्राइटनेस पर कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि ब्राइटनेस आपको बताया है कि कितने कंट्रोल करने हैं और एक मेंबर में हम कर सकते हैं। मिसाल तौर अगर ब्राइटनेस हमने करने वो 10 तक, सिर्फ 10 तक, तो हमें आउटपुट कितना बनाना पड़ेगा? 0.5। अगर 10% ब्राइटनेस करना हो, 50% करना हो तो कितना बनाना होगा? 0.20। अगर 100% बनाना हो तो 1.4 तक, 1.4
काम सही है तो चलो 1.2-1.4 तक हमारे काम चल जाएगा। तो हम पैक्स कस्टमर को बना के दे सकते हैं, वो तो पेंशन आपके लिए नहीं रहेगा इंशाल्लाह। अभी पहले ये डिवाइडर करेगा लेकिन ब्राइटनेस वाला सिस्टम खत्म। चलो जी जंपा लगाओ, चलिए भाई आपने जो डिवाइडर बनाया वो दिखाओ। थोड़ा नीचे हमें पता चले कि आपने कहाँ पे डिवाइडर बनाया। ये डिवाइडर इसलिए क्या कर लिए हैं, बना लिए। अच्छा, इस डिवाइडर से ये वीएसबी लाइन से बनाया गया है, एक सीरीज में दूसरा पैरेलल में, और जो बीच में यहाँ पे 0. कितना मिलेगा 1.2 तो वो यहाँ पे देगा। सही है, तो चलो दे दो नंबर उठा के वहाँ पे दे दो। ये 39 है, हाँ लगा लो, क्योंकि हमने कल सलीम भाई ने इसको बनाया, हमें बता रहे 39 या 330 डिवाइडर कर लो आप। कारपेंटर किया चेक किया आप बता रहे हो। लगा लिया तो ऑन करके देख लो कि लाइट बन रहा है कि नहीं। फिर उसी टाइम जो है ना इसका पहले यूनिट बैटरी दोबारा डिस्कनेक्ट करो, फिर इसका वोल्टेज भी दिखा रहा है कि कितने वोल्टेज इस पर बन रहा है। छंबी से ऑन कर लो कि इसका पावर कितना सके डैमेज। एक तरीका तो हो गया इसने कर लिया। चलो इसमें शायद चार्ज भी नहीं है बैटरी में, देख लो बंद हो गया क्या नहीं आने। चलो इसका पावर की क्या है, थोड़ा सा दूर रख लिया करो, पावर की प्रेस लगा, हाँ ये रिस्टार्ट होगा, पावर की इसका शॉट है। इसका जो डिवाइडर आउटपुट कर रहे हैं उस पर चेक कर लो डायरेक्ट, हाँ सिमुलर कैमरा और मीटर बिजली से भी कर लो कि इसने कितना डिवाइडर का कितना आउटपुट बनाया मीटर बिजली से। थोड़ा सा मीटर कड़ा कर लो, थोड़ा सा क्लियर अपना सामने आ रहा है। नीचे करो, हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा है कि आप कहाँ पे चेक करो, और नीचे और नीचे थोड़ा सा दाएं मुझे छोड़ो, डिवाइडर भी चेक, हाँ डिवाइडर भी चेक कर लो। चलो यहाँ पे आउटपुट कितना बन रहा है देख रहे हो, 1.2 डिवाइडर के हिसाब से बन रहा है कि नहीं। चलो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका इसको क्या कर लो, इस जम्पर को निकाल लो। चलो इसका सिफर ला, इसका ओपन कर लो डायग्राम। दूसरे तरीका में हमें डायग्राम की जरूरत पड़ने वाली है। ये दूसरा तरीका शायद किसी ने आज तक किया हो या नहीं, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं यूट्यूब पर इतना सर्च करता नहीं हूँ। और इसका बर्दियों पर डायग्राम ओपन कर लो, हाँ सलीम मॉडल इसको बोलो। देखो दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ, सलीम यहाँ पे आपने ध्यान देना क्योंकि इसको आपने रिपेयर करना। दूसरा तरीका हमारे पास ये है ना सलीम, यहाँ पे उसको मॉडल बोल दिया क्योंकि दूसरा आपने क्या करना है अभी हमारे LUBIC हमने क्या कर लिया है पढ़ लिया। LUBIC में हमारे यहाँ से आउटपुट होते हैं VSB और यहाँ से आउट होते हैं VSN। VSP को इनेबल करने के लिए एक लाइन CPU से आता है, कौन सा ENP और इसके लिए ENN। इन दोनों में कितना वोल्टेज होता है, इसमें भी 1.8 वोल्टेज। और ये वोल्टेज कब आते हैं, जब ग्राफिक्स और ग्राफिक्स गायब होते हैं तो वोल्टेज गायब हो जाते हैं। सही है, और ये वोल्टेज दोनों प्लस होते हैं कि इसमें माइनस होते हैं, दोनों प्लस होते हैं। माइनस कौन बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, आपके लिए डायग्राम बनाया था उसी तरह ये क्या करते हैं इंटरनली माइनस बनाते हैं ये। बाकी इन दोनों में वोल्टेज क्या होते हैं प्लस, इनेबल में माइनस कभी भी नहीं। तो इनमें से किसी भी इनेबल से उठा के हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ से किसी भी इनेबल से जम्पर उठा के हम पिन नंबर 5 पे दे देंगे। तो जैसे ग्राफिक्स के लिए इनेबल आएगा साथ में ये भी क्या हो जाएगा, तो आसान है कि नहीं, लेकिन इसके लिए ग्राफिक्स सेक्शन समझना क्या जरूरी है। चलो देख लेते हैं, ओपन कर लो। हार्डवेयर सॉल्यूशन दिए नहीं सर, चलो कोई नहीं टेंशन नहीं। लेआउट स्कीमेटिक्स बना रहा अच्छी से, ये देख रहा हूँ ये थोड़ा उधर करो सलीम भाई, यहाँ पे देखो सलीम
ये ई एन एन और ई एन पी, इसमें एक दो रजिस्टर हमारे लगे हैं, लेकिन ये रजिस्टर क्या है, एनएफ, एनएफ मतलब नॉट फेडेड। इसमें से किसी एक का कोड कॉपी कर लो, नॉट फेडेड है लेकिन पॉइंट हमें मिल जाएंगे। एक साइड बीप होगा, दूसरी साइड से जंपर उठा के सीधा वहां पे लगा लो, तो कॉपी कर लो। और जाके वहां पे प्रेस कर लो, नेक्स्ट कर लो, थोड़ा जूम आउट कर लो। आईसी के ऊपर ये दोनों रजिस्टर क्या है, नॉट फिटेड है, लेकिन इसके दोनों तरफ में से किसी एक से जो है ना आप उठा के वहां पे दे सकते हो। एक ई एन एन है और दूसरा ई एन पी, दोनों का फुल फॉर्म भी आपको बता दिया गया। डिवाइडर से जंपर निकाल के वहां पे लगा लो, दूसरा साइड अपने जगह पे रहेगा। इस डिवाइडर से जंपर उठाओ, ऊपर ये दो पॉइंट है, ये जंपर उठाओ, नीचे से हटाने, ऊपर से नहीं, सही। देखो इसमें बजर मूड भी करो, आपने देखना है कौन से भी जीआर आ रहा है और कौन सा हमारा क्या है, वो कौन सा लाइन हमारा जीआर और किस पे वैल्यू है, उसी से दे सकते हो। लेकिन इसमें भी एक मसला हमारा होगा, ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए तीसरे तरीके से हमने इसका अपना सर्किट ही रिपेयर करना है, सही है। तो देखते हैं जी, अभी देखो ये जो पॉइंट है, चार पॉइंट बने हैं, इसमें जीआर ले लो, हाँ जी जीआर है, चलो इसी से जंपर ले लो। दूसरा साइड देखो, इसका ग्राउंड होगा, पाल की तरफ देखो, देख रहे हो इस तरह नीचे भी, तो इसी से जंपर उठा के लगा लो। ये जंपर जो आपने दूसरी साइड पे लगाई है ना, सेम वो जंपर उठा के वहां पे लगा लो, सही है। तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा मालूम होगी नहीं, सरकार समझना होगा, सही है। ग्राफिक सेक्शन से पहले इसलिए आपको नहीं, चलो ग्राफिक सेक्शन से पहले इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि फिर आप कहते हैं कि ई एन एन क्या है और ई एन पी क्या है, अभी सिर्फ नाम ले रहे हैं और आप समझ सकते हो उल्टेज वगैरह कब बने कब नहीं सारे समझ सकते हो। तो देखते हैं किसी से काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अभी भी हमारे ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं हो, तो इसके लिए तीसरा हम क्या करने वाले हैं, तीसरा तरीका, ये दो समझ में आ गए। तीसरा हम ये करने वाले हैं कि इसके ये जो लाइट की आईसी है, इसका जो पिन नंबर 5 है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट करेंगे कहां से टच है, और इसमें जो कि बहुत काम हुआ है, आप कैमरा के नीचे रख के फिर दिखा देना, इसमें हमारे बहुत सारे कंपोनेंट मिस हो सकते हैं। तो देखते हैं कि डिस्प्ले कनेक्टर से हम यह कनेक्ट कर लें, जहाँ से इसको क्या मिले, अपना इनेबल मिले, सही है, या हम इसको कनेक्ट कर ले कहाँ से, सीपीयू से, वहां से इसको क्या मिले, इनेबल। तो इस लैब पे सिंपल सा हम फॉलो कर रहे हैं जिसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं और उस कंपोनेंट को हमने लगाना है या बाईपास करना है, तो उसी से इसका अपना सर्किट रिपेयर हो जाएगा और इसके ब्राइटनेस वगैरह भी कंट्रोल हो जाएंगे। चलो देखो स्केमेटिक्स में पहले दिखाऊं, ये देखो बहुत सारे कंपोनेंट इससे ड्राइव है, क्योंकि सलीम भाई कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा घूम के यहाँ पे आ गया, तो कह रहा है कि क्या कहाँ कहाँ तक घूमा है, सर ये काफी घूमा है पूरा काफी जगह। यहाँ स्केमेटिक्स में दिखाऊं, लाइट आईसी कॉपी कर लो उधर करो और भी उधर करो और भी उधर करो। चलो पहले जो लगा है हमारे ये दो क्या है, एनएफ, एनएफ मतलब नॉट बैटरी, और ये एक क्या है, जीरो आर का, इसका कोड कॉपी कर लो, जो कि सीएबीसी लाइन एलसीडी से करेक्ट है, कोड कॉपी कर लो इसका, जो पहले वाला है ऊपर वाला। सबसे पहले इसको देखते हैं, इस लाइन में चूंकि ये लगे हैं, बाकी पैरेलल में लगे इससे हमारे कोई लेने देना फिलहाल नहीं है। प्रेस कर लो, नेक्स्ट कर लो, ये देख लो ये रजिस्टर इसमें है कि नहीं, अगर नहीं है तो जीरो आर्म का रजिस्टर है, क्या कर लो बाईपास सिंपल से, है नहीं हाई बैक नहीं, चलो जी इसको भी क्या कर लो जंपर कर लो, ट्राई करते हैं। हो सकता है जिन्होंने ये पुल रिपेयर नहीं किया वो भी आपके वीडियो देखे,
सही है ना। ये एक रजिस्टर इसने क्या कर लिया, लगा लिया, क्योंकि दोबारा स्कीमेटिक्स दिखाओ, ये वाला रजिस्टर थोड़ा जूम करो, ये जीरो आर का रजिस्टर इसलिए बाईपास भी किया, सेफ्टी खत्म हो गई, लेकिन दोबारा लगाएंगे, सही है, इसके जगह दूसरा लगाना है, पहले ट्राई बेस पे क्या कर लिया, बाईपास किया कि मसला यहां से है या नहीं, चलो देख लो सलीम, इससे आगे फिर हमने ये लाइन देखना है, ये न हुआ तो दूसरी तरफ से हम इसको जो है ना सीपीओ की तरफ से किस तरह पीडब्ल्यूएम बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं, पहले देखते हैं। तो पहले दो तरीकों से भी स्लिप मोड में जाएगा, कोई बैटरी ड्रेन का इतना ज्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं होगा, तो हमने बाहर से कोई सर्किट बना के किसी को धोखा नहीं देना है, अपना ही सर्किट रिपेयर करना है, क्योंकि अपना ही आसानी से रिपेयर हो सकता है, ये देखो ब्राइटनेस कितना जो है ना स्लो है, देख रहे हो, बिल्कुल इसको ज्यादा और कम भी कर सकते हैं, अपना सर्किट रिपेयर हो गया तो ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, स्लीप मोड में भी जाएगा, बाकायदा सब कुछ करेगा, कोड हमें मालूम नहीं है, कोड कस्टमर के पास है, तो इसलिए इसको हम आगे ब्राइटनेस चेक नहीं कर सकते, लेकिन फोन रिपेयर हो गया। करीम भाई तो इसका जरा हिस्ट्री सुनाओ, कहाँ से है, किस तरह हुआ? सर ये मैं आया था, थोड़ा ऊंचा, मैं आया हूँ सिंध से सर, मीरापुर के शहर से, वहाँ से मैं साथ ही लेके आया हूँ मोबाइल को, पहले मैंने एक तो दिया था, तो वहाँ जो है बस जंपर वगैरह करके एक मरतबा तो इसको ऑन कर दिया था, लाइट इसकी ऑन कर दी थी, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चला, तकरीबन हफ्ता चला है, 10 दिन चला है, उसके बाद मैंने किसी से रिपेयर करवा के दिया, तो फिर उसके बाद दोबारा ऐसे ही कंडीशन हो गई, तो कस्टमर ने मुझे भी बोला, फिर मैंने समझा कि मैंने यही समझा कि अभी जो है अब किसी और से रिपेयर करवाऊंगा मैं, और फिर मैंने कस्टमर मुझे बोलेगा, तो इससे अच्छा फिर नॉलेज मुझे खुद ही हासिल करनी चाहिए, बकायदा एक फॉल्ट का जो है मुझे खुद पता चले, इससे अच्छा मैं किसी और के पास जाऊं, खुद मैं रिपेयर करके लोगों को दूँ। सही है जी, और फोन समझ में आ गया, चलो जी मिलते हैं।